सच सच बताओ, तुम झूठ बोल रही हो ना? हाँ झूठ बोल रही हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो झूठ है, ये मैं समझ जाऊं। लेकिन नहीं, आप मुझे ये कभी समझने नहीं देंगे, क्योंकि मैं जब भी आपकी आंखों में देखती हूँ ना, तो मुझे अपने आप पे तरस आता है। मुझे लगता है कि मैं इस इंसान का एहसान ले रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में धोखा हो रहा है मेरे साथ। लेकिन मैं क्या करूं, मैं कर ही क्या सकती हूँ। मैं अपने माँ बाप के पास दोबारा नहीं जा सकती, क्योंकि मैं उन्हें छोड़ के आ चुकी हूँ उस राकेश की तलाश में। और देखिए, ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं मैं। आज के जमाने में कोई भी इस तरह अकेली लड़की किसी से भी लिफ्ट नहीं लेती। मेरी तो आप बात ही छोड़िए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे घर से हूँ। और देखिए, रही बात पुलिस की, पुलिस को देख के मैं इसलिए डरी थी क्योंकि मुझे लगा वो पुलिस मेरे माँ बाप ने भेजी है मुझे ढूंढने के लिए। सिर्फ यही कारण था मेरे डर का, और आप पे मैंने यकीन किया, क्योंकि यहाँ और कोई नहीं था मेरी मदद के लिए। और आपकी मदद के लिए आपका शुक्रिया, आपने मुझे खाना खिलाया, मुझे लिफ्ट दी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नहीं, अब आप एक पेड़ ना मिलने की वजह से अगर मुझ पे शक कर रहे हैं, तो लानत है मुझ पे, लानत है मेरी सारी पढ़ाई लिखाई पे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी और मेरी राहें अलग होती। जो इंसान मुझ पे शक कर रहा है, मैं उससे मदद नहीं ले सकती। माफ कीजिएगा, आपसे मदद नहीं ले सकती। चल्ला, इतना ड्रामा। सुनो, I'm sorry, मुझे तुम्हारे ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए था। प्लीज गाड़ी में बैठ जाओ। नहीं नहीं, आपके पहले मैं बहुत एहसान ले चुकी हूँ, अब आपकी और मदद नहीं ले सकती मैं ठीक हूँ। चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ, नहीं तो सच में चला जाऊंगा।